तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये ट्यूटोरियल। नई फाइल बना लिया और हमने साइजेस वगैरह सब रख ली। ये हमने साइज ले लिया है जो हमको चाहिए और इस तरह से हमारा ये ब्लैंक पेज आ गया। अब हम ये बैकग्राउंड जो है यहाँ पे ला करके सेट कर लिए। इसके बाद हम इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा सॉलिड कलर यहाँ से यूज करेंगे और इसको थोड़ा डार्क करेंगे। जी हाँ ओके कर दिया। और यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये थोड़ा क्या डार्क हो गया। और इसको हम लाइट कर देते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से हम इसको रख सकते हैं। ठीक है अब ये इमेजेस हैं इन्हें हमें यूज करना है तो हम सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और जो है अपना हम जो मेन पेज है वहां पर कैरी कर लेते हैं, वहां पर ले लेते हैं। अब इन सारे इमेजेस को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर लेते हैं। ये हमने एक बॉक्स लिया, यहाँ से शेप लिया रेक्टेंगल शेप, और कुछ भी चार चाहिए, चार इमेजेस है हमें, तो हमने एक बनाया यहाँ पे, राइट क्लिक किया और इसको रस्टराइज लेयर कर लिया या लेयर हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बॉर्डर लगा लेंगे स्ट्रोक के साथ में। ये हमने बॉर्डर सेट कर लिया, इसका कलर हम व्हाइट कर देते हैं या फिर रेड ही रहने देते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ओके कर दिए। ओके अब इसे हम अल्ट की के साथ अगर ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी क्या बनती जाएगी, आप लेयर पैनल में भी देख सकते हैं। तो ये चार कॉपी हमने बना ली। अब इन चारों को सेलेक्ट कर लिया हमने शिफ्ट के साथ और इनका साइज छोटा करके यहाँ पर हमने व्यवस्थित कर लिया ये शिफ्ट के साथ। ठीक है तो इतनी प्रक्रिया जो है हमारी पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ पे सेट करना है तो वो कैसे करेंगे आप ये देख लेते हैं। इस इमेज को पहले हम छोटा कर लेंगे इसके अनुरूप, फिर चूंकि हम देख नहीं सकते हैं ऊपर से कि कितना सेट हो रहा है उसमें, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये जूम कर लिए, ये इतना जूम कर लिए और फिर हम इसको और खींच लेते हैं। अब आ जाएंगे हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे। ओपेसिटी कम करने से वो दिखेगा कितना इससे अंदर है कितना बाहर, फिर हम उसको जो है यहाँ पे व्यवस्थित कर लेंगे। ये देखिए हमने व्यवस्थित कर लिया। अब हम जो नीचे है, नीचे जो रेक्टेंगल है उस लेयर पे जाएंगे, या यहाँ पे देख सकते हैं हम क्लिक करके देखते हैं, नहीं यहाँ पे क्लिक करते हैं एक बार, ये देखिए ये इनविजिबल हो जा रहा है, यानी ये तो यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। कंट्रोल के साथ क्लिक करते ही अब वो जो है सेलेक्ट हो गया। अब हमारे पास जो इमेज है वो लेयर पे आ जाएंगे, इमेज वाले लेयर पे आकर यहाँ से इन्वर्स कर देंगे तो और डिलीट मार देंगे। तो ये देखिए तो यही प्रक्रिया क्या है हम सारे जगहों पर करेंगे, जितने भी हमारे इमेज हैं पहले हम रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल पर को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे इमेज वाले लेयर पे, इमेज वाले लेयर पर जा करके हम इन्वर्स सिलेक्शन करके उसे डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा इमेज जो है वो व्यवस्थित हो गया। अब यहाँ पर हमने कंटेंट लिख के रखा है जिससे कि हमें टाइप करने में समय नहीं लगे, तो हम ये इतना ऐसा कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आकर के हम फॉन्ट चेंज करेंगे और जो भी चेंजेस करने हो यहाँ पे हम अलग फॉन्ट ले लेंगे, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से हम ये फॉन्ट ले लेते हैं और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, हमने बड़ा कर लिया शिवांगी श्रृंगार भवन, कंट्रोल टी प्रेस किया और इस तरह से। तो और फिर आ जाते हैं इसके लेयर पे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कलर ओवरली में जा करके येलो कलर लेंगे, यहाँ से ये कलर हम ले लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ये 100% नहीं रहेगा, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, इसको 10% सियान नहीं चलेगा, जीरो ही करना, 20% ओके, 5% कर लेते हैं, इसको 10% कर लेते हैं, जीरो करते हैं ओके। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे स्ट्रोक में, इसमें स्ट्रोक देना सही रहेगा क्या एक बार देखते हैं, डाल के ब्लैक स्ट्रोक दिया और इसके सारे कलर जो 100 रखने हैं हम ब्लैक कहीं पर भी यूज करें तो, और साइज इसका थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो ये नहीं इसका यूज करना सही नहीं रहेगा, इसे हटा देना चाहिए हमको, थोड़ा सा किया है थोड़ा सा, ठीक है देख लेते हैं एक बार चलेगा क्या, अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक तो लग रहा है, ठीक है एक बार रहने देते हैं इसको और रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करने के बाद अल्ट बटन के साथ हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, दो तीन कॉपी बना लेंगे और ठीक वही प्रक्रिया हम अपने कंटेंट कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला करके उसको पेस्ट करेंगे और एडजस्ट करेंगे और कलर चेंज करेंगे। ठीक है तो ये आ गया एड्रेस जो है, अब हम टी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ गए इसके लेयर पेन लेयर स्टाइल में और यहाँ से हम जो है इसका कलर अलग कर देते हैं, व्हाइट कलर कर लें, व्हाइट कलर कर लें, ओके नहीं हुआ, अच्छा यहाँ से इफेक्ट इनविजिबल है, हाँ अभी आ गया। ठीक है तो ये इतना काम हो गया।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये वाला टेक्स्ट है यहाँ पे हमें दूसरा लेना है, क्योंकि उसमें काफ़ी इफेक्ट भी हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले हम, ये यहाँ पे सही लग रहा है। ये सारे ये इमेज जो है, सारे नीचे के जो चार इमेज है ना, चारों ये किधर गया, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बॉर्डर और इमेज, तो उन्हें हम पहले एक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये बॉर्डर वाला और ये इमेज जो ऊपर इमेज है, इन दोनों को एक मिनट एक मिनट वापस हम आएंगे। ये ऊपर वाला इमेज जो है उसका लेयर, ये देखिए इसके पीछे का लेयर, और जो इमेज है उसका लेयर हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए कंट्रोल के साथ ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, तो ये ग्रुप हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों अब आप देख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हम हर जगह करेंगे, जितने भी चार इमेज है, चारों के बैकग्राउंड वाला इमेज और ऊपर वाला इमेज हम ग्रुप करके फिर उन सबको इस जगह से ऊपर ले लेंगे। अब आ जाएंगे हम, ये एड्रेस जो है यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे, शायद यहाँ पे शायद अच्छा लगेगा। तो आ गए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, हम वापस एक शेप लेंगे यहाँ से, रेक्टेंगल शेप, और ड्रैग कर देंगे यहाँ पे। ड्रैग करने के बाद हम जो है इसकी ओपेसिटी कम करके उसको व्यवस्थित कर लेंगे नीचे वाले टेक्स्ट के अनुसार, और फिर इसे हम ऊपर कर लेंगे, टेक्स्ट को ऊपर करेंगे और इस शेप को नीचे रखेंगे। तो यहाँ से पहले हम कलर इसका अलग कर लेते हैं, जो हमारा शेप है। ब्लैक कलर लेकर के देखते हैं एक बार थोड़ा ये वाला, और इसको हमें नीचे करना है। तो यहाँ जाएंगे, मूव टूल लेंगे और इसे ड्रैग करके हम सबसे नीचे कर लेंगे, बैकग्राउंड से ऊपर रखेंगे। ये देखिए अभी वो जो है नीचे चला गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हम आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेते हैं एक बार, और ये जो इमेजेस हैं हमारे, इनको हम जैसे तैसे रख लेंगे यहाँ पे बॉटम में। ये देखिए सारे ग्रुप है, सेलेक्टेड हैं सारे, तो अभी हमने सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर गए, सब बॉटम में हो गए। और इस पर जैसे ही क्लिक करके तो बराबर दूरी दोनों, मतलब चारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से ये व्यवस्थित भी हो गया। अब हम आ जाएंगे, इसकी एक और कॉपी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, टी प्रेस करेंगे, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे यहाँ से, ये वाला कंटेंट कॉपी करेंगे। ये वाला कंटेंट कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आकर सीधा पेस्ट कर देंगे और उसको जो है एडजस्ट कर लेते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, छोटा बड़ा, और फॉन्ट चेंज करके, कलर चेंज करके, सब करके हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे। ये देखिए हम कलर चेंज कर रहे हैं, जो हमको सही लगे कि हाँ ये सही है, उस पर आकर के हम उसको रोक देंगे। तो ये इतनी प्रक्रिया जो है बन गई हमारा डिजाइन पर। अब यहाँ पे हमने होल्डिंग रखा है, इस होल्डिंग में हमें कैसे इसको लगाना है, आ जाइए यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे, इमेज में आएंगे, इमेज में आकर के यहाँ पे डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कॉपी बन गई, इसको हम नाम दे देते हैं टू, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और मर्ज विजिबल कर देंगे। मर्ज विजिबल करते ही सारे जो लेयर थे, फोटो थे, सब एक दूसरे में मर्ज हो गए। यहाँ पे लाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कंट्रोल की दबाए रखना है हमको, कंट्रोल की जो है इसको पहले कॉर्नर पे लेते हैं, कॉर्नर पर लेने के बाद कंट्रोल की दबाए रखेंगे और कंट्रोल की दबाए रखते हुए ही उसको हम ड्रैग करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर। जी हाँ, ये यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा और ये यहाँ पे इस कॉर्नर पे इसको रखते हैं, और इस वाले हिस्से को इस कॉर्नर पर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो व्यवस्थित हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर